हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में एक टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहती हूँ। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और इस बारे में मुझे भी काफी सारे क्वेश्चंस आते थे, तो मैंने सोचा कि चलिए इस टॉपिक रिलेटेड मैं आप सभी से बातें करती हूँ। एंड मे बी कुछ लोग जो बिगनर्स होंगे इस फील्ड में, उन लोगों को मदद हो जाएगी, या फिर किसी के दिमाग में इसके रिलेटेड कोई भी सवाल हो उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, मैंने अपने चैनल में ना फिलिप्स स्ट्रेटनर का रिव्यू किया था। बहुत ही पसंदीदा वीडियो है सबकी, वो आई थिंक सबसे ज्यादा व्यूज उसी वीडियो पे लोगों ने मुझे दिए। आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर दैट। एंड उस वीडियो पे ना काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं लोगों के रिगार्डिंग स्ट्रेटनिंग, रिगार्डिंग स्मूथनिंग एंड ऑल दैट। तो मैंने सोचा कि चलिए एक ही वीडियो में जो है मैं कुछ चीजें डिस्कस करूं आप सभी से। एंड तो दोस्तों, जो टॉपिक मैं आप सभी से डिस्कस करना चाहती हूँ वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटनिंग एंड स्मूथनिंग। तो इसके ऊपर मैं कुछ बातें आप सभी से शेयर करूंगी। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि स्ट्रेटनिंग एंड स्मूथनिंग दोनों ही केमिकल ट्रीटमेंट्स है। एंड ये जो होता है एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है उन लोगों के लिए जिनके बाल नेचुरली ड्राई फ्रिजी होते हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में होता है जिनको रिक्वायरमेंट होती है अपने बाल स्ट्रेट एंड स्मूथ कराने के लिए। तो मैंने अपने बालों में 6 महीने पहले स्मूथनिंग कराई थी। एंड मतलब मैंने अपने बाल केमिकली ट्रीटेड कराए हैं, केमिकल ट्रीटमेंट मैंने ली है। एंड मैंने स्ट्रेटनिंग नहीं कराई, स्मूथनिंग कराई। वो मैंने क्यों कराई, स्ट्रेटनिंग क्यों नहीं कराई एंड स्मूथनिंग क्यों कराई, वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि दोनों में अंतर होता है। तो दोनों ही केमिकल ट्रीटमेंट्स है, लेकिन स्ट्रेटनिंग जो होती है उसमें जो आपके बाल बहुत ही पोकर स्ट्रेट, एकदम जो है पिन स्ट्रेट लगते हैं, फेक लगते हैं, और वो उसमें वो काइंड ऑफ जो स्मूथनेस होती है वो नहीं आती है, तो वो दिखने में उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो स्ट्रेटनिंग मैं खुद के लिए भी ज्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ और किसी को ज्यादा रिकमेंड भी नहीं करती हूँ कि आप स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट कराएं। बट लेकिन अगर आप स्मूथनिंग कराते हैं तो स्मूथनिंग में जो है हेयर आपके जो है नेचुरल लगते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी सी हेयर स्टाइलिंग भी की थी, कल भी की थी और आज भी किए, तो मेरे बाल जो है थोड़े से वेवी भी हो गए हैं, बट नेचुरली जो है स्ट्रेट आपके बाल लगते हैं। एंड ऐसा नहीं लगता है कि आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराया हुआ है। तो मैंने स्मूथनिंग कराई थी 6 महीने पहले। एंड ये आपको जो है सैलॉन में आपको ये ट्रीटमेंट मिलती है। कोई भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, केमिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगी अच्छा सैलॉन आप जो है वहां पर जाकर आप ट्रीटमेंट ले, ताकि आपके जो है बाल डैमेज ना हो, आपको कोई बालों की प्रॉब्लम ना हो, हेयर फॉल ना हो। तो ये होता है डिफरेंस दोस्तों। बहुत ही कम शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेटनिंग एंड स्मूथनिंग में ये जो मेजर अंतर होता है यही होता है कि स्ट्रेटनिंग में आपके बाल जो है बहुत ही एक जो उनकी लुक आती है बहुत ही फेक आती है, वो अच्छी नहीं लगती है। अगर आप स्मूथनिंग कराओगे तो उसमें जो है आपके बालों की लुक बहुत ही नेचुरल आती है, आपके बाल नेचुरली शाइन भी करेंगे। एंड आई ऑलवेज प्रेफर स्मूथनिंग और लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि आप स्मूथनिंग ही कराए। ये जो प्रोसीजर होता है दोस्तों, ये होता है 4 से 6 घंटे का प्रोसीजर होता है। कभी कभी ज्यादा टाइम भी लग जाता है बालों की लेंथ के हिसाब से। जितना आपकी बालों की लेंथ होगी उतनी लेंथ के हिसाब से जो है आपके बालों में जो है ट्रीटमेंट का टाइम लग सकता है। तो अगर आप कभी कराना चाहते हैं तो आप फुर्सत से आराम से जाइए, टाइम लेकर जाइए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जो केमिकल्स लगते हैं, फिर उसके बाद में जो प्रोसीजर होता है, हेयर वॉश होता है, काफी सारी चीजें होती है, टाइम लगता है बालों की बाइंडिंग में। तो ये बातें मैं आप सभी से करना चाहती थी दोस्तों कि स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग में डिफरेंस क्या होता है। एंड आई थिंक अगर कोई आप सोच रहे हो कि आपको स्मूथनिंग करानी है तो व्हाई नॉट, लाइफ में ये चीजें ट्राई करनी चाहिए, करा कर देखिए, मे बी आपको सूट करे, मे बी सूट ना करे, इट्स ऑल डिपेंडेबल ऑन हाउ यू ट्रीट योर हेयर। स्मूथनिंग कराने के बाद बालों की केयर करना, उनकी यू नो सुरक्षा करना बहुत जरूरी हो जाता है, हेयर केयर करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैंने अपनी हेयर केयर पे भी वीडियो बनाई हुई, अगर आपने नहीं देखी है उसे मैं लिंक कर दूंगी, जरूर जरूर चेकआउट कीजिए कि कैसे स्मूथनिंग के बाद मैं अपने बालों की हेयर केयर करती हूँ। तो ये सारी चीजें कुछ होती है स्मूथनिंग के बाद, जो आपको सैलून वाले भी बता देंगे कि किन किन चीजों को आपको इस्तेमाल करना है। पर्टिकुलर शैम्पूस होते हैं जब आप स्मूथनिंग कराते हैं, तो आपको वही पर्टिकुलर शैम्पू जो आपकी स्मूथनिंग को तोड़े ना, आपके बालों को फिर से डैमेज ना करे, तो वही शैम्पूज आपको जो आपका सैलून रिकमेंड करे उनको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों बस इतना ही मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहती हूँ। कोई भी अगर आपको इस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स में आप मेंशन कर दीजिएगा, वहां पे मैं आंसर कर दूंगी आपके क्वेश्चन का। एंड बताना आपको मेरी वीडियो, मेरा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा आगे भी इसे शेयर जरूर कर देना लोगों के साथ, ताकि लोगों को हेल्प मिले, इस टॉपिक पे और इन्फॉर्मेशन मिले। एंड कोई अगर कराना चाहता है सो जस्ट गो हैड, गो विद इट। एंड हाँ, हमेशा मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अच्छे सैलून में जाएं, भले आपको पैसा ज्यादा देना पड़े, लेकिन कोई डिस्काउंट के चक्कर में आप किसी सैलून में ना जाएं।
अच्छे सैलून में अच्छा ट्रीटमेंट ले एंड काफी देख परख कर ही इन चीजों में आप यू नो पैर रखें, क्योंकि ये आपके आपकी बॉडी के साथ रिलेटेड है, तो आपको बहुत बहुत केयरफुल रहना चाहिए। एंड आई विश यू गुड लक इफ यू आर लुकिंग टू स्मूथ योर हेयर, तो गो हैड एंड बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।